गए थे सोनूपा जी के पास। सोनूपा जी बनाते हैं एग ऑमलेट और कई तरह के ऑमलेट बनाते हैं, ब्रेड ऑमलेट भी बनाते हैं। तो ये मेरा बन रहा था ऑर्डर और ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। उससे पहले पूरे कप में एक चित्रा अंडे मिलाते हैं नमक प्याज पूरा डाल के और अच्छी तरह उनको मिक्स किया जाता है बहुत ही अच्छे। ये जो आप देख रहे हो ना ढांचा सा, ये अभी बन रहा है जी एक ब्रेड का ऑमलेट, किसी का ऑर्डर आया था ये। और जैसे आप देख पा रहे हो कि एग दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ब्राउन ब्रेड मोस्टली यूज़ करते हैं सोनूपा जी। तो आप एक सिंगल ब्रेड के ऑर्डर से लेके 10 ब्रेड के ऑर्डर तक बन जाता है, मतलब 15-20 अंडों के या 10-20 अंडों के इनका ऑमलेट भी बन जाता है। दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें जो प्याज वगैरह जो डलते हैं ना वो बहुत ही बढ़िया, हरी मिर्च वगैरह टोटली फ्रेश वेजिटेबल्स डलती हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो सोनू के पास जो ऑर्डर्स आते हैं वो मोस्टली आते हैं लोग गाड़ियों वाले, उनको जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी भाई पैक करके दे दो। तो सोनू भाई का हाथ भी जो बहुत तेज़ चलता है, जैसे आप ऑलरेडी देख पा रहे हो कि एक ऑर्डर ऑलरेडी तवे पे लगा हुआ है और दूसरा ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी 2-3 अंडे वो उसमें डाल चुके हैं। और ये जो आप ऑमलेट देख रहे हो तवे पे ना, ये बहुत ही बढ़िया, मतलब ये मतलब जैसे एक आपने देखा होगा कि काफ़ी जो जने हैं वो जला देते हैं इसको, थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन कर देते हैं, ऐसा सोनूपा जी के पास नहीं है। वो थोड़ा सा इसको वाइटिश रखना चाहते हैं, थोड़ा सा ब्राउन रखना चाहते हैं। मेरी उनसे पर्सनली बात हुई थी। एक ब्रेड का ऑमलेट ऑलमोस्ट रेडी, उसके साथ सर्व होती हैं जी इनकी हैंडमेड 2 तरह की चटनियाँ और साथ में होता है जी केचप। ये मिक्स चटनी होती है, इसमें पुदीना प्याज और हरी मटर मिक्स होती है। तो ये गया जी किसी का ऑर्डर, अब लग रहा है जी हमारा ऑर्डर। उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने पाजी को बोला कि हमारे लिए एक बढ़िया सा बनाना, तो हम लगवा रहे हैं जी 2 अंडों का स्पेशल ब्रेड ऑमलेट। उसके लिए 2 अंडे पाजी ने कप में डाल लिए हैं और उसके बाद जो जाएंगे वो है जी इनका हैंडमेड नमक, काला नमक होता है वो, सफ़ेद नमक नहीं होता। और उसके बाद थोड़ा सा मसाला डालते हैं ये और उसके बाद आती है जी इनकी चटनी। ये हैंडमेड चटनी, जैसे मैंने बताया कि पुदीना, हरी मिर्च, बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं। ये ऊपर से हरी मिर्च जा रही है और जा रहा है जी प्याज। अब क्या करेंगे जी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, लेकिन उससे पहले तवे पे लगेगा जी ऑलिव ऑयल और वो सिंपल सरसों का तेल यूज़ नहीं करते, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। और अच्छी तरह इस मिक्सचर को मिक्स किया जाता है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ताकि उसमें जो फ्लफीनेस है, जो फ्लफी दिखे। और मिक्सचर हो गया जी तैयार और सीधा जाएगा तवे पे, ये चेक करो आप, अमेजिंग। और ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा ऑयली खाने का कोई डर भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो वो सही आइटम है। और रिफाइंड तेल यूज़ करते हैं लोग, वो मज़ा नहीं आता, डर रहता है आपको खाने टाइम। तो सोनू पाजी से मैंने पूछा था कि कितने टाइम से काम कर रहे हो, सोनू पाजी ने कहा कि वो 3 साल से काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, फिर 3 साल से चाहिए। लेकिन सोनू पाजी ने बताया कि उनका जो मेन काम है वो है जी अंडे सप्लाई का। वो सुबह सुबह जल्दी उठ के ताजपुर रोड पे जो लुधियाना में है वहाँ से अंडे उठाते हैं और अलग अलग दुकानों पे सप्लाई करते हैं। तो इनका मोस्टली जो काम है वो सप्लाई का है। उन्होंने कहा कि मैं शाम में फ्री होता था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए हमारे काम के रिलेटेड ही। उन्होंने कहा कि जो मेरे पास अंडे सप्लाईज के बाद बच जाते थे वो मैंने रेडी लगाना स्टार्ट कर दी। ऑमलेट का कलर देखो आप, अमेजिंग, पूरा गोल्डन कलर आता है। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी से इसको खाना स्टार्ट कर दूँ। बहुत से लोग आ रहे थे और मेरे सामने ही खा रहे थे। तो हमारा जो 2 एग्स का ऑमलेट था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ये देखिए हो गया प्लेट पे। और उसके बाद उसको आपने कटवाना है तो कटवा लीजिए, जैसे पाजी ने कहा। मैंने 4 पीस करवाए थे, मैंने कहा चलो एक बार टेस्ट के लिए हो जाएगा, 1-2 बंदे और थे मेरे साथ खाने के लिए। तो 2 चटनियों के साथ सर्व होता है जी, एक इनकी हैंडमेड चटनी रहती है और इनका जो साथ में रहता है वो केचप वगैरह रहता है। तो बहुत ही साफ सफाई और सोनू पाजी का जो मतलब बिहेवियर है ना वो बहुत सही है। अब जो आप देख रहे हो ये ऑर्डर, ये है 5 अंडों का ब्रेड ऑमलेट लग रहा है। जो ब्रेड ये यूज़ करते हैं बॉन के, और ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं, और हैंडमेड चटनी जो है घर पे इनकी मम्मी बनाती है। तो वो चटनी का टेस्ट बाकमाल था, आपको मैं रिकमेंड करूँगा, ज़रूर खाएँ सोनू पाजी।